एक था सियार और उसने पूरी जलेबी की दुकान खोल रखी थी। जंगल के सभी जानवर उसकी जलेबी के दीवाने थे। एक बंदर रोज उसकी दुकान पर आता और भरपेट जलेबी खाता, पर वह पैसे नहीं देता सियार को। उसकी इस चाल से सियार दुखी रहने लगा। पैसे मांगने पर बंदर उल्टा उसे जान से मारने की धमकी देता था। अरे भाई, मैं क्या करूं? इस तरह से बंदर मेरी दुकान पर आकर मुफ्त में जलेबियां चखता रहा तो मैं भिखारी बन जाऊंगा। उस दिन सियार ने खरगोश से बंदर की शिकायत की। मेरे दोस्त, तू परेशान मत हो, तुम्हारा भी समय आएगा। तब बंदर को भी सबक मिल जाएगा कि समय आने पर हर व्यक्ति की कीमत बढ़ जाती है। खरगोश ने सियार को समझाया। जल्द ही बंदर की बेटी की शादी ठीक हुई। शादी की तैयारियां बड़ी धूमधाम से शुरू हो गई। सारे वनवासियों को शादी का कार्ड भेजा गया और रसोइये का काम सियार को सौंप दिया गया। बंदर के दरवाजे पर बारातियों का खूब स्वागत हुआ। फूल बरसाए गए। जानवरों ने जी भर कर नाच किया। उसके बाद सभी खाने की मेज पर बैठ गए। इधर बड़ी देर हो गई, लेकिन किसी ने पूरी जलेबी नहीं परोसी। बाराती भूख से परेशान थे। उधर बंदर की इज्जत दांव पर लगी थी। आज सियार के पास बंदर को सिखाने का पूरा मौका था और चतुर सियार इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। अरे भाई, तू क्या कर रहा है? पूरी जलेबी बनाते क्यों नहीं? बंदर ने चतुर रसोइये सियार से सवाल किया। मैं जरूर बनाऊंगा, पर पहले तू मेरा पिछला और आज का बकाया पैसा लौटा दे भाई, सियार ने कड़क कर जवाब दिया। बंदर समझ गया कि आज दाल गलने वाली नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने सियार का सारा पैसा वापस कर दिया और माफी भी मांगी। बारातियों ने जी भरकर पूरी जलेबी का आनंद लिया। पैसा मिलने के बाद चतुर रसोइया सियार ने बारातियों को खूब जलेबी और पूरी खिलाई। रसोइये की चतुराई ने बंदर को सही राह दिखा दी थी।